75वां गणतंत्र दिवस हर्ष उल्लास एवं उमंग के साथ मनाया गया। कलेक्टर संदीप माकी ने किया ध्वजारोहण। दतिया जिले में गणतंत्र दिवस हर्ष उल्लास एवं उमंग के साथ मनाया गया। मुख्य अतिथि कलेक्टर संदीप माकी ने परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण कर संयुक्त परेड का निरीक्षण किया और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संदेश का वाचन कर नागरिकों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी। मुख्य अतिथि कलेक्टर संदीप माकी ने समारोह में पुलिस बल SAAF 29वीं बटालियन होक गार्ड NCC जूनियर एवं सीनियर सौर्य दल स्काउट गाइड आदि टुकड़ियों के मार्च पास्ट की सलामी लेकर टुकड़ियों के कमांडरों से परिचय प्राप्त किया। मुख्य अतिथि कलेक्टर संदीप माकी ने एकता में एकता के प्रतीक रंग बिरंगे गुब्बारे आकाश में छोड़े। इस मौके पर राष्ट्रगान एवं मध्य प्रदेश गान हुआ। गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में नगर की विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के साथ साथ केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय आदि शिक्षण संस्थाओं के छात्र छात्राओं ने आकर्षक वेशभूषा में रंगारंग एवं मनमोहक देशभक्ति पर केंद्रित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में कलेक्टर ने लोकतंत्र सेनानियों एवं उनके आश्रितों और कारगिल शहीदों के परिजनों का सम्मान किया। मुख्य अतिथि कलेक्टर संदीप माकी ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के दौरान पुलिस लाइन के शासकीय माध्यमिक विद्यालय पहुंचकर छात्र छात्राओं के साथ MGM स्वरुचि भोज किया। कलेक्टर श्री माकी ने स्कूल के छात्र छात्राओं से उनकी पढ़ाई लिखाई एवं शिक्षकों की उपस्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त की। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर कलेक्टर दतिया संदीप माकी ने नवीन कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रातः 8 बजे ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा राष्ट्रगान गाया और देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी। गणतंत्र दिवस पर आम नागरिकों के लिए विकास प्रदर्शनी आकर्षक का केंद्र बनी रही। आम नागरिकों ने इस प्रदर्शनी सराहना की। मुख्य अतिथि कलेक्टर संदीप माकी ने विकास प्रदर्शनी का अवलोकन किया। शिवरन सिंह राठौर की रिपोर्ट। भारतीय गणराज्य के 75वें गणतंत्र दिवस के मंगल अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज ये अमृत काल का पुण्य प्रताप है कि स्वतंत्र भारत के अमृत महोत्सव के अभूतपूर्व आयोजन के बाद अब गणतंत्र भारत के अमृत महोत्सव का शुभागमन हुआ। देश के जन गण मन में देशभक्ति के अपार उत्साह और उमंग का महासागर हिलोरें ले रहा है। राज्य सरकार की पहल पर पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुए जिला पुलिस बैंड की धुन पर बजते देशभक्ति के तराने देश के लिए जीने और देश के लिए मरने की प्रेरणा दे रहे हैं। इस अवसर पर मैं भारत माता की आजादी के लिए हंसते हंसते सूली चढ़ने वाले अमर शहीदों के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। विश्व पटल पर भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में स्थापित करने में महती भूमिका निभाने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एवं सभी संविधान निर्माताओं के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। जिस प्रकार पतवार के भरोसे नाव नदी लान जाती है, बरसात के भरोसे बीज धरती में समा जाता है, ठीक उसी प्रकार ऐसे महापुरुषों के भरोसे ही राष्ट्र का नव निर्माण होता है। यह एक अद्भुत संयोग है कि राष्ट्र पर्व के ठीक पहले राष्ट्र कर्म के एक महान प्रसंग में अयोध्या में स्वर्णिम अध्याय किया। विश्व हृदय सम्राट हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामय उपस्थिति में नव निर्मित श्री राम मंदिर में भगवान श्री राम की भव्य प्राण प्रतिष्ठा से भारत में राम राज की संकल्पना जीवन और जय वंश हो गई है। रोम रोम में बसने वाले श्री राम के स्वागत में घर घर में दिवाली मनाई गई और मंदिर मंदिर दीप जलाए गए, भजन कीर्तन किए गए। काल के केंद्र भगवान महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन से 5 लाख लड्डू प्रसाद के रूप में मध्य प्रदेश की मिठास अयोध्या भेजी गई।